प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद की जानकारी उदाहरण सहित दी जा रही है। शब्द की परिभाषा, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व, और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। व्याकरण में वह शब्द जिससे किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। अब हम आपको इनकी जानकारी अलग अलग देंगे। रूढ़ की परिभाषा, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर, इनमें क, ल, प, र का टुकड़े कहने पर कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह निरर्थक है। यौगिक, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय बराबर देवधन आलय, राजा पुरुष राजधन पुरुष, हिमालय हिमधन आलय, देवदूत बराबर देवधन दूत आदि। ये शब्द ही शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। यौगिक शब्द योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, दशानन आदि। पंकज बराबर पंक धन ज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दस आनन मुख, दस यानी दस आनन माने मुख वाला रावण के अर्थ में प्रसिद्ध है। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा है विदेशज। इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।